नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं यहां के एनडीए प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपसे हम जानना चाहेंगे आपके विधानसभा की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, जिससे यहाँ की जनता अभी भी समस्याएं। तो एनडीए की सरकार में बहुत समस्या का निदान हुआ है, ऐसी बात नहीं कि समस्या है। यहाँ पर अपराध है ज्यादा और भ्रष्टाचार। तो अपराध और भ्रष्टाचार जब मुक्त हो जाएगा तो गोविंदगंज स्वच्छ और साफ हो जाएगा। आपके चुनाव के एजेंडे कौन कौन से, किस एजेंडे पे आप इस पर चुनाव? देखिए, हम जो चुनाव लड़ रहे चले तो विकास तो हम करेंगे ही, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। विकास तो बहुत सा विकास बाकी है, उसको विकास करेंगे। और मेरा खास मुद्दा है कि मैं गोविंदगंज से अपराध मुक्त करूंगा और गोविंदगंज से भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। ये दो चीज है, जो दलाली प्रथा है और अपराध है, इसको मैं समाप्त करूंगा। तेजस्वी का जो बयान था, तेजस्वी जी का, कि यहाँ पे 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात उनके द्वारा कही गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उसको जुमलेबाजी बता रहे थे, लेकिन फिर उन लोगों ने फिर अपना अनाउंसमेंट किया कि हम 19 लाख रोजगार दे रहे हैं, इसपे क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। रोजगार जो अभी माननीय मानवर हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो स्वरोजगार के लिए भी काफी लोगों को प्रेरित किए हैं, और जो देहात से जो लोग प्लान कर रहे थे, गांव से जो लोग प्लान करते थे, उसको रोकने के लिए उसकी उपाय किया जा रहा है। और ये रोजगार भारतीय जनता पार्टी अगर कही है 17 लाख देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। और तेजस्वी ने तो कितना इसके 15 साल बनाम 15 साल आप देखिए, ये कितना लोगों को नौकरी दी और क्या की, ये तो आपके सामने इस पर है कि तेजम 200% जुमलाबाजी। भारतीय जनता पार्टी में आप काफी सक्रिय नेता रह चुके हैं और हैं भी, और पिछले काफी वर्षों का आपका अनुभव भी है। पिछले 15 सालों का अगर कार्यकाल देखा जाए आपके विधानसभा क्षेत्र का, तो क्या विकास हुआ है? देखिए, हमारे विधानसभा में जो भारत सरकार के द्वारा बहुत सा सड़क बनाया गया है, हमारे मानवर सांसद के द्वारा बहुत सा सड़क जो केंद्रीय फंड से बना है, और बहुत लंबा लंबा सड़क, एक बहुत जीत सिंह अवस्था सड़क था हमारे दरियापुर जाने के लिए, और ऐसे दरियापुर और ऐसे संग्रामपुर जाने, ये सारी सड़क उनके द्वारा बनाया गया है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। विकास हुआ है और विकास होगा। हमारा एक प्राथमिकता है कि गोविंदगंज से जो हम लोग का गोपालगंज जाने का है, गोविंदगंज बहुत बड़ा सुंदर पहले बाजार था, और गोविंदगंज के ही नाम से गोविंदगंज विधानसभा है, गोविंदगंज थाना है, और गोविंदगंज पहले बहुत भी बाजार लगता था, जो गोपालगंज का मैंने इसे पहले नाव उसके जल मार्ग से बाजार लगता था, समान आता था, उसको हम लोग वहाँ हमारी प्राथमिकता होगी वहाँ पर स्कूल बने और गोपालगंज की दूरी कम हो जाए, ताकि दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए मार्केटिंग के लिए सुविधा काफ़ी नज़दीक हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, इसमें काफी दल, काफी पार्टियां अपनी कैंडिडेट बदल दिए हैं और काफी कैंडिडेट अपनी पार्टी बदल दिए। टिकट का जो आवंटन हुआ है, इससे मतलब संतोष ना होते हुए इसको किस रूप में देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो चलता है, जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुत सारे लोग जिसको टिकट नहीं मिलता है पार्टी बदलते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए एनडीए में जो 4 दल है, पार्टी जिसके जो टिकट देती है, सारे एनडीए के कार्यकर्ता उसी के पीछे लगे रहते हैं। नेता से पार्टी नहीं होता है, पार्टी से नेता होता है। नेता से पार्टी नहीं होता है और पार्टी से नेता बनता है। अगर मान लीजिए कि मैं ही अगर भाजपा छोड़ दूं तो मेरे पीछे कार्यकर्ता नहीं लगेंगे, और मैं भाजपा में हूं इसलिए मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और एनडीए के साथ हैं। पार्टी से कार्यकर्ता रहता है, कार्यकर्ता से पार्टी नहीं रहता है, इसलिए आने जाने का क्रम और चुनाव में लगा रहता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन समाज सेवा की बात करते हुए, जो नेता मतलब कि टिकट के लिए पार्टी को छोड़ दे रहे हैं या पार्टी का त्याग कर रहे हैं, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ टिकट के लिए, इसलिए उनका अपना निहित स्वार्थ झलक रहा है, सामने नजर आ रहा है, निश्चित इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित उनका निश्चित अपना स्वार्थ है, उनका अपना स्वार्थ है। मान लीजिए कि आपको अगर पार्टी ने कहीं ना कहीं सर्वे में आपको अगर टिकट नहीं दिया हो सर्वे करा करके, तो आप में कहीं ना कहीं कुछ खामी होगा उसमें, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया है, और एक ही एक आप ही एक व्यक्ति हैं जो उस पर बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। और ये सब दूसरे दल में चलता है, मेरे दल में तो एक साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है, अगर वह जमीन स्तर का कार्यकर्ता है, जमीन पर काम किया है, तो जैसे मैं ही हूँ एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष भी बना हूँ, और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ 35 साल का कार्यकर्ता के रूप में, आज मुझे पार्टी ने घर बैठे व्यक्ति को बुला करके टिकट दिया। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें वंशवाद नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत नहीं होता है, इसमें कार्यकर्ता भी कुछ होता है और कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो यहाँ पे ब्राह्मण का जो वोट है, बहुमत जो है वो ब्राह्मणों का है गोविंदगंज आपके विधानसभा क्षेत्र में, इसमें मतलब किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या लगभग कहाँ का क्या वोट आपको किस तरह से मिल रहा है?
अरे गोविंद जी, इसी मिट्टी पर मैं जन्म लिया हूँ और इसी मिट्टी पर पला हूँ और इसी मिट्टी पर बड़ा हुआ, खेला हूँ, कूदा हूँ और मेरी राजनीतिक जीवन यहीं से शुरुआत हुई है। मैं हवा हवाई नेता नहीं हूँ, कोई बाहर से आकर के यहाँ आयातित नहीं हुआ हूँ। मैं इस धरती पर रहा हूँ और धरती पर ही काम करता हूँ। इसलिए यहाँ की जो भी जनता है, ऐसे तो हम जात पात से परे रहते हैं, यहाँ पर जो भी जनता है, वह जनता मुझे काफी प्यार दिया है और उसी प्यार के आगे बढ़ा। चुनाव जीतने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले सरकारी कार्यालय से लेकर के आम जनता के बीच में एक समन्वय, किसी को कोई दिक्कत न हो, किसी तरह का कोई दिक्कत न हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो, गोविंद अपराध मुक्त हो, मेरी प्रथम प्राथमिकता ये है। क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इसमें जदयू के जो वोट है वो भी आपके कैमरे में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी वोट है वो आपके कैमरे में आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी आम जन के हृदय में बसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वार्ड हर गली में है, तो जो उनका सहानुभूति है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो कर्तव्य है, उसका जो परिणाम है वो वोट के रूप में परिणित होकर के वो ईवीएम में बंद होगा और हमारे उम्मीदवार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। पिछली बार लोकसभा में गोविंदगंज से हम 60,000 वोट से जीते थे, इस बार हम 70,000 वोट से विधानसभा जीतेंगे। लोगों का मानना है कि इसमें राधामोहन सिंह अपनी पूरी शक्ति लगा दी है इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए और काफी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब सांसद का चुनाव हो रहा है, इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, अफवाहें बार आ रही हैं, इसको आप किस रूप में? राधामोहन सिंह हमारे अभिभावक हैं और यही नहीं, राधामोहन सिंह पूरे बिहार में जोड़ लगाए हैं और मोतिहारी लोकसभा के 6 सीट में जोड़ लगाए हैं और गोविंदगंज 25 वर्षों के बाद लड़ रहे हैं, इसलिए राधामोहन सिंह का स्वाभाविक बात है कि यहाँ के मिट्टी से लगाव है और यहाँ के लोगों से लगाव है। और सुनील जी बचपन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दरी बिछाने और झंडा लगाने का काम आज भी करते हैं, इसलिए राधामोहन सिंह का व्यक्तिगत इनके प्रति झुकाव है और यहाँ वो लगे हुए हैं। चुनाव सर पे है और चुनाव में काफी समय नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लोगों को, गोविंदगंज की जनता को, आम जनमानस को आप क्या अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने वोटों का चयन और अपने मतों का सही कैंडिडेट को चुनकर उनको वोट दें, इस पे क्या कहेंगे? जनता बहुत समझदार है और मन बना चुकी है कि किसको वोट देना है, वो ईवीएम में जाके वोट देगी और लाइन लगा के सुबह से ही वोट करेगी, इस बार तो वोटिंग का टाइम भी ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान है वो ईवीएम में जरूर जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप अपनी जनता से? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे साफ सुथरे व्यक्तित्व को, सरल स्वभाव व्यक्तित्व को आप चुने, क्योंकि ये आपके 5 साल पर एक अधिकार आपको मिलता है और इस अधिकार में आप डोले नहीं, हटे नहीं और एक ऐसे सशक्त व्यक्ति को चुने जो आपका सेवक हो, आपका बेटा बन करके आपका कार्य करे, आपका विकास करे, यही मैं जनता से अपील करूँ। धन्यवाद, जारी रहेगा। कैमरामैन संतोष कुमार पांडे के साथ आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज।